अस्सलामु अलैकुम। हमारे रब का ज़ाती नाम अल्लाह है, जिसका माना है माबूदे बरहक, माबूदे हकीकी। और इसको पढ़ने के बहुत से फ़वाइद भी हैं जो इस वीडियो में ज़िक्र किए जाएंगे। अल्लाह के इस्म को रोज़ाना 1000 बार पढ़ने से कमाल यकीन नसीब होता है, यानी इंसान के ईमान में मजबूती आती है। दूसरा फ़ायदा, जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले पाक साफ़ होकर खलबत में पढ़ने से मकसूद आसान हो जाता है, ख्वाह कैसा ही मुश्किल हो। जुमा की अजान से पहले इंसान पाक साफ होकर तन्हाई में बैठ जाए और इस इस्म को कसरत से पढ़ता रहे और फिर अपनी हाजत के लिए दुआ करे, तो इंशाल्लाह उसकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। अगर कोई मरीज़ हो तो उसको 66 बार पानी पर दम करके पिलाएं तो इंशाल्लाह शिफा नसीब होगी। बीमार खुद भी ये वजीफ़ा कर सकता है, कोई और भी उसको पानी पर दम करके दे सकता है। चौथा फ़ायदा, हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ने से इंसान साहिब कशफ और साहिब बातिन हो जाता है। पांचवा फ़ायदा, जो शख्स लफ्ज़ अल्लाहु का मोहब्बत इलाही की वजह से कसरत से जिक्र करेगा और शक नहीं करेगा, वो सिद्दीकीन में से शुमार होगा। छठा फ़ायदा, जो हर नमाज के बाद 7 बार हुवल्लाहुर रहीम पढ़ता रहेगा, उसका ईमान सलब नहीं होगा और वह शैतान के शर से महफूज रहेगा। सातवां फ़ायदा, जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज पढ़ कर किबला रुख बैठ कर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान पढ़ता रहेगा, फिर अल्लाह ताला से जो जायज़ चीज़ मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। यानी इंसान जुमा के दिन असर की नमाज पढ़कर किबला रुख बैठ जाए और फिर कसरत से या अल्लाह या रहमानु का जिक्र करे और फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़े, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमाएंगे। तो ये थे अल्लाह ताला के ज़ाती इस्म अल्लाह को पढ़ने के फ़वाइद और वज़ाइफ़।